करिश्मा को बुलाया और कहा कि पिया तुम धर्राज में इतने अंधे हो रहे, तुम्हें होश ही नहीं कि बिटिया शादी के लायक हो गई। उसी वक्त राजा भीष्म अपने दरबार में पहुंची और कहने लगे सतारो बोलो कौन बोलेगा। हाँ महाराज सरदार जा माने पर रही हमें तुम्हारी कुछ मंडी उठी ना नहीं ऐसी कुछ बात नहीं उठी ना नहीं एक अकल हमें बताओ क्या और तुम भी देख रहे हो क्या कि मेरी बेटी रुक्मिणी शादी के लायक हो गई। शादी के लायक हो गई? हाँ कब आएगी महाराज? मना सचिन खोपड़ी को क्या क्या मेरी बिटिया 18 साल की हो गई। अच्छा तो हम क्या करें अब ये बताओ। तुम ऐसो करो दोनों अपने पैर बांधो और मूड भर होकर कुआं में गिर पड़ो। क्यों? मंत्री किस लिए होता है? सलाह देने के लिए। तुम्हें सलाह दो तुम्हारी नजर में कोई सुंदर राजकुमार हो। अच्छा चरणवान हो गुणवान हो धनवान हो तो निसंकोच होकर के हमें बता। लड़का बताए? हाँ। अच्छा क्या बताए महाराज? दो बताए क्या? एक भगवान का सब सिर्फ मेरे संग भेज गए बिटिया के बिटिया दे गई है तो एक ही लड़का चाहिए। एक दूल्हा एक सामूला ना है माने संग टूचनु चाहिए। अब किने 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 के लिए रोए हम सब के ना करते ही रोए लो। लड़का बता। अच्छा लड़का बता। अच्छा एक लड़का नजर में है हमारी महाराज। एक ही? हाँ बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कर दो। अरे सरदार लड़का तो तुमने बहुत ही बढ़िया बताओ। बात में धर्मराज धर्म के प्रति लेकिन कारण एक है। क्या? कि दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है। कल उनके घर में धर्मार छिड़े और आज पैर की चलचल में मेरी बेटी को चैन नहीं आएगा तो ऐसे को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए जिसकी रोटी और रोटी का कोई ठिकाना ना हो। और दुर्योधन के लिए कर दो तो कैसा रहेगा महाराज? तुम बिल्कुल पागल हो। क्यों? पांडव हाथ पे अंदर के बैठे भाई वहां तो लड़ाई होनी है और कोई नजर डाला और दुनिया बहुत बड़ी है भाई। एक लड़का और है महाराज। एक ही? अब तू बताए तो एक ही एक बताए नहीं। एक और है महाराज। बताओ। मगध का राजा जरासंध। किसी बताया? मगध का राजा जरासंध। कोई नशा करते ना? कोई नशा करते नहीं? कोई नशा नहीं। तुम हमसे छिपके कोई नशा करते हो? अरे नहीं। मगध को राजा जरासंध कैसा साल हुए? 7 साल। अच्छा और मेरी बिटिया की उम्र 18 साल का ऊंटे गरे में बकरिया को लटका है। तो अब लड़का है नहीं हमारी नजर में। बहुत बड़ी दुनिया है और कोई लड़का बताओ। अच्छा लड़का बताओ। एक लड़का और है महाराज। बताओ। सुरोड़पुर का राजा बाड़ासुर। तुम कोई नशा करते? नशा ऐसा नहीं करता। मैं समझ गया तुम कोई नशा करते। तुम समझिए तुम्हारे सरदार चलम पिया तुम्हारी जगह मुझे नहीं जमीन मुकना हो तुम्हारी समझे सुखो और नशा करते। लड़का कैसे बता रहे? सरोड़पुर का राजा बाड़ासुर को। सरोड़पुर का राजा बाड़ासुर सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता कौआ कौन सी गंदी चीज नहीं खा सकता और सरप्पा कौन सा बुरा काम नहीं करेगा। शरप्पा को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। लड़की धनहीन हो जाए लोगों कोई चिंता वाली बात नहीं है
लेकिन लड़की कभी पर ही नहीं होनी चाहिए। आजकल महाराज जो शराब पीते वही बड़े कहलाते हैं, क्योंकि बोतल 2000 की आने लगी अब। कहा कही? बोतल 2000 की आते हैं। जो शराब पीते हैं वो बड़े लोग होते हैं। और कहा अको भैंसा की टांग और पेट में धरने तो और बड़े हो जाए। और कहा और बड़े हो जाए तुम्हारे बेवकूफों की नजरों। अच्छा शराब सरपा का भी बड़ा हो सकता है। बड़ा कौन होता है? कौन? अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतलावे बड़ा वही कहलाता। पहले तो तुम उनसे पूछो जो पास तुम्हारे रहते, उसके बाद पड़ोसी मोहल्ला वाले क्या क्या कहते। सदाचार और नियम से भैया मनुष्य बड़ा कहलाता, अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना। अपने मुंह से बड़ाई करने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो अब हमारी नजर में महाराज है नहीं लड़का। जैसे तुम हो तैसे तुम लड़का बताओ। जो अते से बताए थे भाई नजर में अब है नहीं महाराज। लड़का है ना? अब खत्म हुई है भाई नजर में कोई नहीं है। मैं समझ गया तुम हमसे पग पग में तो छल कर रही हो ना। पग पग पे तुम छल कपट की बात हमसे कर रहे हो। छलो कपट की बात मत किया कर। और हम दरबार से चले जाते हैं, उसके बाद तुम सारे सरदार मिलकर नशा जरूर करते। सारे करते लेकिन हम नहीं करते महाराज, हम अलग रहा और सब करते। और कहीं नहीं कहीं अपन कह रहे। तुम खुद बताओ महाराज जी फिर मुझे का ही नहीं। आज कहिए पिताजी क्या बात है। हेलो हम देख रहे हैं एक घंटा तक तुम मेरी मौत की तरफ देख रहे हो। देख तो सोई रही तुम नी के बहुत लग रहे। क्या बात है खराब कब लगे? तुम बाजी ना खराब लगने लगा जब दौड़ पर। बाप अगर अपने संतान पे दौड़ता है तो किस लिए दौड़ता है? खराब के लिए अच्छे के लिए। अच्छे के लिए। अच्छा तुम्हें कोई होश है? काय को होश है? घर में रहते हो? हाँ। तुम्हारी बहन रुकमणी शादी के लायक हो गई। अच्छा अगर तुम्हारी नजरों में हाँ सुंदर कोई राजकुमार हो, चतुर्वार हो, गुणवान हो, धनवान हो, तो निसंकोच होकर के हमें बताओ, जो हमारा दामाद बने, तुम्हारा बहनोई बने और तुम्हारी बहन का दूल्हा बने। अच्छा लकड़ा बताया? लकड़ा है? लकड़ा बताया था? लड़का। लकड़ा लकड़ा माने लड़का बॉय मींस लड़का। अच्छा चार पांच घंटे ही बताया था सो बताओ। अरे पगला तेरी बहन एक है? बहन एक है तो एक ही लड़का चाहिए। घरे ने रो काम हो तो कोई सुहानी लगाए, कोई भैंसिया दो, कोई कपड़ा दो, कोई चूल्हे में लकड़ी आ दी है, दो तीन किराए कर ले जितनी मेहनत ना है। एक लड़का बता तो कोई चरपा तो करे नहीं करे तो एक ही ना। अच्छा जा बताओ मैं जिज्जी कैसे हाल हो गई। अरे पगला तू जेव नहीं मालूम। मुझे ना मालूम बताओ। 18 साल की। 9 साल के तो बता देता हूं 9 दुनिया 18 तो को देखो करी नहीं टूचिंग लगा दी। एक लड़का बताओ। अच्छा लड़का बताओ बढ़िया बताया ना अच्छो बताया ना। हां अब टावर आए गए बताए दे रे भारत के भूषण यादवेन सरकार द्वारा का दिश का नहीं अगले कर। अरे लैला रख में तुमने तो हमारी मुंह की बात ही छीन ली। और का दरबार में बैठे लोगों मेरे बेटा के लिए तालियां बजा। बात में मेरी बेटी भगवान का नहीं है कि दुल्हन बन के जाएगी। मेरे तो बुढ़ापा ही सुधर जाए। मेरी तो जवानी सुधरी है। कहे तेरी जवानी कहे के सुधर जाए। कहे जीजा नी के ना है जीजा जी बेटा रुक में अभी यार तत्काल जल्दी तुरंत अरे प्रयत्न डाला
जल्दी जल्दी करते हैं भगवान बनाइए टीका भेजो ठीक है अगर ना माने तो भैया भेज रहे लोगो महाराज कहने लगे बेटा रुक्मेश जब भगवान कन्हैया सेना बांध के घोड़ी पे बैठ के दूल्हा बन के आएंगे लला उस समय को दृश्य कछु और हो गया सही कह रहे मेरे बुढ़ापे में 8 चांद लग गए 8 और मेरी जवानी में तो 16 चांद लग गए 16 ठीक दो ने ठीक तो बने हाँ भगवान कन्हैया जब दूल्हा बन के आएंगे तब हाँ तब भाई इधर तो टीका की तैयारियां होने लगी और ये जो भरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज रुकम लगाना न पड़ी रुकम एकदम से आया अपने बाप से ललकार करके बोला हे बंदे वाले बूढ़े बाप ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज कैसे आ रही है बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी क्या खुशखबरी है बहुत बड़ी क्या बताओ तो खुशखबरी क्या खुशखबरी है बहुत बड़ी कितनी बड़ी है पंडाल में नहीं बनेगी पहली खुशखबरी तो इस बात की क्या जिन भाइयों ने तालियां बजाई हाँ जिन माताओं ने तालियां बजाई हाँ इनके मुंह में दो दो रसगुल्ला दे दे अच्छा और जिनने तालियां नहीं बजाई है इनके मुंह में ईंट गुरूर अब होती ऐसी क्या बात है जो रसगुल्ले बट रहे अरे लला धीरे धीरे बोलो तब हम तुम्हें बताए जल्दी बताओ क्या बात है क्योंकि हम पे बुढ़ापो है और तुम पे जवानी है बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे बात की है तुम्हारी बहन को दूल्हा चुनियो हे मरने वाले बूढ़े बाप कौन है हमारी बहन का दूल्हा जीने वाले बेटा हाँ बताओ कौन है कौन भारत के भूषण याद बैग सरकार दौर का अधीश कन्हैया ऐसे नीच लोपर के लिए हमारी बहन किताब नहीं जाएगी पिताजी अगर भगवान कन्हैया तेरे गलत शब्द प्रयोग करेगा कमीना तेरे जी में छाले पड़ जाएंगे कुछ भी हो जाए तुम बूढ़े हुए हुए तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई ऐसे नीच के लिए हमारी बहन किताब नहीं जाएगी पिताजी ऐसे नीच के लिए हमारी बहन नहीं जाएगी मेरी बेटी हम करेंगे वहां पे जाएगी तू बीच में होता कौन है मेरी भी बहन है मैं करेंगे वहां पे जाएगी तो अब इनका मरियो अब तक जानते तब तक टावर सही याद इसलिए चुप थे अच्छा हां टावर खराब हो गई और कहा एक जहां पर पतुसुदान बाहर निकल कुछ भी हो हमारी बहन नहीं जाएगी कन्हैया के लिए मेरी बेटी हम करेंगे वहां पे डाई मेरी बहन है तो अब इनका मरियो तू जानते ना तू जानते थे अब तू भगवान कन्हैया के बारे में क्या मालूम सब कुछ मालूम है कह रहे कल मेरे सामने पैदा भाव अबे मौकी बात ना छुट्टी दूध के दांत ना गिरे छटिक ना जावे धन दुनिया तक ना पहुंचे जाए सब कछु मार ऐसे के लिए हमारी बहन नहीं जाएगी पहले हमने पूछ जाए धन दुनिया को ना जावे साहब कही लेला तुमने धन दुनिया ना छटिक ना धन दुनिया तक ना पहुंचे हां पहले हमने पूछ जाए कुछ भी हो महाराज ऐसे के लिए हमारी बहन नहीं जाएगी मेरी बेटी हम करेंगे वहां पे जाएगी मेरी भी बहन है हम करेंगे वहां पे जाएगी दूर बैठे हो ये लड़का किसने बताया है पहले ये बताओ तो क्या करेगा किसने बताया पहले बताओ हमें ये लड़का तेरे छोटे भाई क्यों रे ये लड़का किसने बताया तुम्हारी अम्मा ने बताओ क्यों रे हैं किसने बताया ये लड़का किसी ने नहीं बताया हैं किसने बताया किसने बताया तुम्हारी बहन कहां जाएगी क्या करे कहां जाएगी तुम्हारी बहन कहां जाएगी नहीं नहीं कहां जाएगी नहीं गद्दा करे अब तक जाएगी कहां जाएगी नहीं भैया करे अब तक जाएगी नहीं जाएगी जहाँ भैया करेगा वहां जाएगी कहाँ जाएगी कहीं नहीं अब दूल्हे के घर जाएगी कहाँ कहाँ दद्दा करे ता कहाँ जाएगी अरे बाप बैठा मत देख ले वो तो उसे छोटा था अब समझा कुछ भी हो सुन हाँ अगर बाने तेरे ऊपर अगर हाथ उठाए दो हाँ तो तू अपना मुंह कहाँ दिखाए